सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर जिला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक है। सिद्धार्थ नगर जिला मुख्यालय है। सिद्धार्थ नगर जिला बस्ती संभाग का एक हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में महाराजगंज, पश्चिम में बलरामपुर, उत्तर में नेपाल का कपिलवस्तु जिला और दक्षिण में बस्ती और संत कबीर नगर जिला से घिरा हुआ सिद्धार्थ नगर जिला कुल 2895 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से 34.08 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत और बाकी का क्षेत्रफल घरों, फैक्ट्रियों, आधुनिक संरचनावादी के अंतर्गत आता है। बात अगर प्रशासनिक संरचना की करें तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ नगर जिले के अंतर्गत 5 तहसील सिद्धार्थ नगर, सोहरतगढ़, बांसी, इटवा और डुमरियागंज, 14 ब्लॉक नौगढ़, बढ़नी, सोहरतगढ़, बर्डपुर, जोगिया, उसका बाजार, बांसी, मिठवल, खेसराहा, भनवापुर, इटवा, खुनियाव, डुमरियागंज, लोटन और 2545 गांव आते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर सीधे सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जिला मुख्यालय नौगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से सड़क के माध्यम से 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। राजधानी लखनऊ से सिद्धार्थ नगर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। सिद्धार्थ नगर के प्रमुख रेलवे स्टेशन बढ़नी, सोहरतगढ़, नौगढ़ जिला मुख्यालय, उसका बाजार तथा व्रिजमनगंज देश के प्रमुख स्टेशनों जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से UPSRTC की बसें सिद्धार्थ नगर को जोड़ती हैं। दोस्तों, जनगणना की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ नगर जिले की कुल जनसंख्या 25,59,297 है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 12,95,095 और महिलाओं की जनसंख्या 12,64,202 है। यहाँ का लिंगानुपात 976 महिला प्रति 1000 पुरुष है। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर जिले में एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 882 लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या विभाजन करें तो सिद्धार्थ नगर जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 69.93%, मुस्लिमों की जनसंख्या 29.23% और बाकी के लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर जिले के लोग मुख्य रूप से हिंदी भाषा का उपयोग बोलचाल में करते हैं। सिद्धार्थ नगर जिले की साक्षरता दर 59.25% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 70.92% और महिलाओं की साक्षरता दर 47.41% है। सिद्धार्थ नगर जिले में पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, सैम फोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, खैर पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल बांसी, सरला इंटरनेशनल एकेडमी, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, रतन सेन डिग्री कॉलेज, शिवपति इंटर कॉलेज, श्री सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज, शिवपति PG कॉलेज, सिद्धार्थ नगर मेडिकल कॉलेज, सर्वजीत कौशल PG कॉलेज आदि शामिल हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर जिले के लोगों का मुख्य पेशा कृषि क्षेत्र से है।
सिद्धार्थनगर जिले का श्रम बल भागीदारी दर 43.82% है। सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर का ये चावल बेहतरीन और सबसे ज्यादा बिकने वाले चावलों में से एक कहा जाता है। दोस्तों, काला नमक चावल की खेती स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देती है, जो लगभग 5000 हेक्टेयर तक फैली हुई है। दोस्तों, बात अगर पर कैपिटा इनकम की करें तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले का प्रति व्यक्ति आय 29,943 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। दोस्तों, अगर आप सिद्धार्थनगर जिले में पर्यटन हेतु आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सिद्धार्थनगर जिले के PWD अतिथि गृह, वन गेस्ट हाउस, होटल विजय पैलेस, बुद्धा लॉज, होटल कपिल वस्तु और होटल सिटी हार्ट आदि में रुककर शहर के मनोरम नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई सारे खूबसूरत जगह हैं जहां आप कुछ क्वालिटी समय बिता सकते हैं। इन स्थानों में पिपरहवा स्तूप, भारत भारी मंदिर, द रॉयल रिट्रीट होटल, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु और योग माया मंदिर आदि शुमार है। दोस्तों, सिद्धार्थनगर के प्रमुख अस्पतालों में संयुक्त जिला चिकित्सालय, मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, VPL हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेवा आश्रम आदि शुमार है। बात अगर क्राइम की करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिद्धार्थनगर जिले का क्राइम रेट दूसरे जिलों की तुलना में काफ़ी कम है, जो कि लगभग 51.23 है। तो दोस्तों, सिद्धार्थनगर की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। और अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।